हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक प्रॉब्लम होती है, और यह प्रॉब्लम आप सभी ने हमें कमेंट में बहुत बार पूछी कि सर हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, हम अपनी तैयारी को कुछ दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं, कुछ ही दिन बाद हमारा वह टाइम टेबल, हमारा वह रूटीन खत्म हो जाता है, इसको हम पूरा नहीं कर पाते। आखिर इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें? हम प्लान भी बनाते हैं लेकिन हमारा जो प्लान है वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और हम यह सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले जानिए, हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम किसी टॉपर को देखते हैं, मान लीजिए कि आप क्लास 12th में हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपके साथ कोई स्टूडेंट पढ़ता है और वह शुरू से ही उसके अच्छे अंक आते हैं, वह शुरू से ही टॉपर है, यानी उसके क्लास 10th बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, 95-96% आए, और क्लास 11th में भी उसने अच्छा किया, तो आप कहीं ना कहीं सोच लेते हो कि ये क्लास 12th भी अच्छा करेगा, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके जैसा नहीं बन पाऊंगा। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप में एक टॉपर में जो सबसे बेसिक अंतर होता है वो उसकी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी होती है। आप किसी भी टॉपर को देखेंगे, उनके साथ चाहे जो भी समस्या हो, लेकिन वो अपने स्टडी के टाइम को कभी भी कम नहीं करते, वो एनी हाउ उस चीज को मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए उनके सामने कोई काम भी आ गया, कहीं उन्हें जाना भी पड़ गया, तो वो आने के बाद अपने पास इतनी एनर्जी रखते हैं कि अपने टाइम को, जो टाइम उन्होंने बनाया था कि मैं 5 घंटे डेली पढ़ूंगा चाहे मुझे कहीं जाना आना पड़े, वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक एवरेज बच्चा क्या कहता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, कल मैं मॉर्निंग में उठ जाऊंगा और मॉर्निंग से उठ के पढ़ूंगा। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात से आप सभी रिलेट करेंगे कि एक टॉपर ऐसा नहीं सोचेगा। एक टॉपर सोचेगा कि कल का दिन कल का ही है, मुझे पहले आज का देखना है, उसके बाद मैं अपने कल की प्लानिंग करूंगा। लेकिन जो एवरेज बच्चा होगा वो एक्सक्यूज ढूंढेगा, कल मैं एकदम मॉर्निंग में उठ जाऊंगा और मॉर्निंग में उठ के पढ़ लूंगा और आज का कंप्लीट हो जाएगा और कल के टाइम को भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ये आप मान लीजिए 100% ये फेल होता है, और ये फेल होना ही है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि आप इतने थक कर आए हो तो बहुत कम चांस है कि आप सुबह उठोगे और फिर पढ़ने के लिए लग जाओगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए जो टॉपर होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और वो हमेशा अपनी स्टडी को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनको लगेगा कि मुझे कहीं जाने से, मेरा इस काम को करने से, मेरा फोन चलाने से मेरी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, तो वहां पर वो उस चीज को तुरंत क्विट करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कुछ देर फोन चला लेते हैं, फिर चलाने में हम यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजों में हम लग जाते हैं और बहुत सारी चीजों को हम पहले प्रायोरिटी दे करके अपनी स्टडी को साइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए हर टॉपर का एक गोल होता है, उसने अपना गोल एक बार सेट कर लिया कि मुझे 95%+ स्कोर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वो अपने गोल को नहीं बदलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करेंगे कि अब वो सोचेंगे कि अब मेरे पास समय कम बचा है, तो अब मैं पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ पाऊंगा और मेरी रूटीन भी ऐसी नहीं है कि मैं पूरा चीजों को कर पा रहा हूं, तो वो अपने गोल को धीमे धीमे सोचेंगे कि अब आखिरी के मैं महीनों में पढ़ करके 70-75% 60-60+। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं बस पास हो जाऊं बोर्ड एग्जाम में, अगली बार अपने 12th के बोर्ड में पढ़ूंगा, फिर 12th के बोर्ड के बाद सोचेंगे कि मेरा बस एडमिशन कहीं हो जाए, मैं अपने कॉलेज में जाकर के पढ़ूंगा, और वो फिर कभी जिंदगी में भी आप देखिएगा नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक गलती है, वो बहाना खोज रहे हैं कि मैं कम परसेंटेज कैसे लाऊं। तो टॉपर का एक गोल है, उसका एक ड्रीम परसेंटेज, उसको पता है कि मुझे अगर मैं इतने परसेंटेज स्कोर कर लूंगा तो इसके बेनिफिट मुझे क्या होने वाले हैं, इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, मेरी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, मेरे माँ बाप के सपने भी पूरे होंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं अपने इस रिकॉर्ड को, अपने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जब मैं उसको रखूंगा, तो वहां पर भी जो इंटरव्यू पैनल होगा वो सोचेगा कि हाँ, ये लड़का शुरू से ही लेबोरियस है, शुरू से ही टॉपर है, और इसे लेने में हमें थोड़ी भी देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों एक टॉपर अपने आगे का गोल और साथ ही साथ प्रेजेंट का गोल बना करके अपने प्रेजेंट गोल को पूरा करता है, ताकि उसको पता है कि इसी में मुझे मेरी फ्यूचर गोल की इमारत खड़ी हो रही है, इसी में मुझे अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, इसी से मुझे सक्सेस मिलेगा।
सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि आपको आपका ब्रेन ये बता देता है कि आपने पूरे दिन में क्या मेहनत करी। सपोज करिए आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, कोई भी छोटा चैप्टर आपने लिया जिसमें 60-70 क्वेश्चंस हैं और आप बैठे 2-3 घंटे आपने पढ़ाई की और वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब आप बेड पर सोने जाओगे, सोने से पहले आपको यह होगा, आपके दिमाग में आएगा कि शिट ये मैंने पूरा नहीं कर पाया, तो आपके दिमाग में गिल्ट आएगा। इसी गिल्ट को रोकने के लिए आप देखिए दो काम कर सकते हैं, या तो आप सोच करके पछता सकते हैं, नहीं तो आप ये ठान लीजिए कि नहीं, ये जो फीलिंग मेरे अंदर आई, ये जो गिल्ट मेरे अंदर आया, इसको मैं अपने अंदर अगले दिन से नहीं आने दूंगा, मैं वैसा ही गोल बनाऊंगा जिसको मैं पूरा कर पाऊं। अब बात आती है कि कंसिस्टेंट कैसे बने। सर आपने पूरी चीजें बता दी पर आपने ये नहीं बताया कि मैं कंसिस्टेंट कैसे बनूं। देखिए हर आदमी की एक बॉडी क्लॉक होती है, आप किसी टाइम ऐसा फ्रेश महसूस करते होंगे जो टाइम आपको लगता हो कि सबसे यूनिक है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे नाइट आउल हैं जो रात में बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, कुछ शाम में अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो आप अपने एक बात ध्यान रखिए, आप ऑब्जर्व करिए किस टाइम आपको लगता है कि आप सबसे परफेक्ट मूड में हो, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव मूड में हो, तो उस टाइम में आप 3-4 घंटे ये बुक कर दो कि मैं इस टाइम सिर्फ पढ़ूंगा, ना मैं अपने फ़ोन को देखूंगा, ना मैं अपने मम्मी पापा के कहने में कहीं जाऊंगा, ना मुझे कोई काम करना है, ये टाइम मेरा सिर्फ एक काम को डिवोट करूंगा, मैं इस टाइम को मैं सिर्फ एक काम के लिए डेडिकेट करूंगा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये 3-4 घंटे मुझे किसी भी तरह पढ़ना है, यहाँ पर मुझे कोई भी काम नहीं करना। दोस्तों आप सिर्फ कंसिस्टेंसी को अपने अंदर लाइए, रेगुलरिटी को लाइए, और मैं यह मानता हूँ कि आप कोई भी टॉपर नहीं होता। एक बात जान लीजिए, टॉपर हमेशा इंसान अपने हैबिट से बनता है, अपने एफर्ट से बनता है। अगर आप चाहते हैं आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं यह दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें करिए, आप कंसिस्टेंस रहिए, रेगुलरिटी बना लीजिए और अपने गोल को क्लियर रखिए, आप भी टॉपर बनेंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो तो शुरू से ही टॉपर रहा है इसलिए वो टॉपर बनेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को आप देखेंगे जो 10th में टॉपर रहते हैं और 12th में आकर के वो एवरेज बच्चे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घमंड हो जाता है कि मैं तो टॉपर रहा हूं और मैं भी टॉपर हो जाऊंगा आगे। नहीं, 10th के सिलेबस में और 12th के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर होता है और वहां पर एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। आप क्या सोचते हो कि 10th के सिलेबस में और 12th के सिलेबस में अंतर नहीं है? बहुत ज़्यादा अंतर होता है दोस्तों। तो जो इसको सर्वाइव नहीं कर पाता वो पीछे रह जाता है। आप हमेशा अपने दिन का एनालिसिस शुरू करिए, जो मैंने अगली बार बताई, आपने दिन का एनालिसिस करिए कि मैंने आज टारगेट बनाया, हो सकता हो कि आप शुरुआत में 60% पूरा कर पाए, 70% पूरा कर पाए, पर धीमे धीमे ये चीज़ें आपके साथ आएंगी और ये आपके एग्जाम जाते जाते बिल्कुल सही हो जाएंगी और आप अपने बोर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स में अपनी सफलता का परचम आप जरूर लहराओगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उन सभी के लिए बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे और बहुत तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। दोस्तों ये एक ट्रक पर लिखा था, मैंने आपको बताया भी था ये लाइन, तो इस लाइन से आप जरूर रिलेट किया कीजिए कि आपको धीमे धीमे ही चलना है जिससे कि अपने गोल तक आप पहुंचे। बहुत तेजी से आप खरगोश वाली चाल नहीं चलेंगे, कछुए की चाल भी चलेंगे, तभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे और सही समय पर मंजिल पहुंचेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।